हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट ऑयल फील्ड रूम हीटर इन इंडिया के बारे में बताऊंगा, जो कि हर तरह के रूम साइज के लिए सूटेबल होते हैं और लंबे समय तक कमरे के टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर आपके घर में पेट्स हैं या किड्स हैं और आप पूरे रूम को या पूरे घर को हीट करना चाहते हैं लंबे समय तक के लिए, तो ऑयल फील्ड रूम हीटर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑयल फील्ड रूम हीटर रूम के मॉइस्चर को कम नहीं करता है, इसलिए इसमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है और ये हीट फैलाने में थोड़ा स्लो होते हैं, क्योंकि पहले ऑयल गर्म होता है उसके बाद ये हीट को फैलाना शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि ऑयल फील्ड रूम हीटर हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है। इन हीटर्स में सिलिकॉन ऑयल यूज होता है, जो कि कई सालों तक चलता है और ये अच्छे से काम करता है, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और ये कॉन्स्टेंट और स्टेडी रूम हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। ये कमरे के ऑक्सीजन कंटेंट को कम नहीं करते हैं और ये कैस्टर व्हील्स और हैंडल के साथ आते हैं, इसलिए इसमें इजी मोबिलिटी मिलती है और ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं, इसलिए बर्निंग का कोई चांस नहीं होता है। और अगर रूम गर्म हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाते हैं। ये किसी भी तरह के हार्मफुल रेडिएशंस इमिट नहीं करते हैं, इसलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। ऑयल फील्ड रूम हीटर को यूज करते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस को भी फॉलो करना चाहिए, जैसे कि इनको अनइवन सरफेस पे नहीं रखना चाहिए, अगर ये गिर गए तो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएंगे। इनको डायरेक्ट जमीन पर रखना चाहिए, फर्नीचर पे नहीं, ताकि ये गिरे नहीं, और इसके आसपास 3-4 फीट के रेडियस में कोई भी सामान नहीं रखें। ये थे ऑयल फील्ड रूम हीटर्स के प्रिकॉशंस और बेनिफिट्स, और इन सभी ऑयल फील्ड रूम हीटर्स के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहां पर जाकर इनकी डिटेल्स को चेक करके इनको परचेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि मेरे चुने हुए बेस्ट ऑयल फील्ड रूम हीटर इन इंडिया कौन कौन से हैं। नंबर 5 पर ओरिएंट इलेक्ट्रिक अल्ट्रा ऑयल फील्ड रेडिएटर आता है। इसमें एडवांस एस शेप्ड थर्ड जनरेशन फिन्स लगे हुए हैं, जो रूम में बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और इसमें 3 हीट सेटिंग कंट्रोल नॉब मिलती है और ट्रिपल ओवरहीट प्रोटेक्शन मिलता है। इजी मोबिलिटी के लिए इसमें कैस्टर व्हील्स लगे हुए हैं और इसमें 360 डिग्री ट्रिप ओवर सेफ्टी स्विच लगा हुआ है, जो एक एडिशनल सेफ्टी डिवाइस के तौर पर काम करता है अगर ऑयल फील्ड रेडिएटर गिर जाए या फिर वर्टिकली प्लेस्ड ना किया हो तो। यह स्टील का बना हुआ है और 11 फिन और 13 फिन वाले मॉडल का पावर कंजम्पशन 2500 वाट है। इस पर आपको 2 ईयर की वारंटी मिलती है। 11 फिन और 2500 वाट वाला मॉडल आपको 8,820 रुपये में और 13 फिन और 2500 वाट वाला मॉडल आपको लगभग 9,280 रुपये में मिल जाएगा। नंबर 4 पर केन स्टार का 11 फिन्स वाला ऑयल फील्ड रेडिएटर आता है। इसमें पीटीसी फैन के साथ क्विक हीटिंग मिलती है और ओवरहीट प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसमें 3 हीट सेटिंग मिलता है, 1000 वाट, 1500 वाट और 2500 वाट का, और एडिशनल 400 वाट का हीटर प्लस फैन मिलता है। लॉन्ग लास्टिंग और बेटर हीटिंग इफिशियंसी के लिए इसमें हाई ग्रेड ऑयल का यूज किया गया है और फास्टर हीटिंग के लिए लार्ज सरफेस वेव फिन मिलता है। इजी मोबिलिटी के लिए इसमें कैस्टर व्हील्स लगा हुआ है और रियर सेफ्टी कवर भी मिलता है। इसकी पावर कंजम्पशन है 2900 वाट की। इस पर आपको 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है और यह आपको लगभग 8,000 रुपये में मिल जाएगा। नंबर 3 पर मॉर्फी रिचर्ड्स का ऑयल फील्ड रेडिएटर आता है। डिजायर्ड रूम टेम्परेचर के लिए इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टेट मिलता है और इसमें टिल्ट सेफ्टी फीचर मिलता है और ओवरहीटिंग से बचाने के लिए ऑटो थर्मल शटऑफ फीचर भी मिलता है। इजी ऑपरेशन के लिए इसमें एर्गोनॉमिकली डिजाइंड स्विच मिलता है और यह 400 वाट के पीटीसी फैन के साथ आता है, जो बेटर हीटिंग इफिशियंसी प्रोवाइड करता है। इजी एक्सेस और इजी मोबिलिटी के लिए इसमें कैस्टर व्हील्स लगे हुए हैं और इसमें माउंटिंग प्लेट भी लगे हुए हैं, जिससे आप इनको डिजायर्ड हाइट पे दीवार पे भी माउंट कर सकते हैं।
इस पर आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है। 9 फिन 2400 वाट वाला मॉडल आपको लगभग 9,150 रुपये, 11 फिन 2500 वाट वाला मॉडल आपको लगभग 10,300 रुपये, 13 फिन 2900 वाट वाला मॉडल आपको लगभग 11,800 रुपये में मिल जाएगा। चाहे 9 फिन हो, 11 फिन हो या 13 फिन हो, जिन भी प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप वहाँ पर जाकर इनकी डिटेल्स को चेक करके इनको परचेस कर सकते हैं। नंबर 2 पर हैवेल्स का ऑयल फील्ड रेडिएटर आता है। इसमें बेटर हीटिंग इफिशियंसी और लॉन्ग लास्टिंग के लिए HD 320 ग्रेड ऑयल का यूज किया गया है। इसमें 3 हीट सेटिंग मिलता है, 1000 वाट, 1500 वाट और 2500 वाट का, और एडिशनल 400 वाट का फैन भी लगा हुआ है। फास्टर हीटिंग के लिए इसमें लार्ज सरफेस वेव फिन मिलता है और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए टिल्ट ओवर स्विच मिलता है। इजी मोबिलिटी के लिए इसमें कैस्टर व्हील्स लगे हुए हैं और रियर सेफ्टी कवर भी मिलता है। PTC फैन के साथ आपको क्विक हीटिंग मिलती है और इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन भी मिलता है। इस पर आपको 2 ईयर की वारंटी मिलती है और 9 फिन 2400 वाट वाला आपको लगभग 9,300 रुपये, 11 फिन 2900 वाट वाला आपको लगभग 10,250 रुपये, 13 फिन 2900 वाट वाला मॉडल आपको लगभग 12,300 रुपये में मिल जाएगा। नंबर 1 पर बजाज मजेस्टी का 9 फिन वाला ऑयल फील्ड रेडिएटर आता है। यह ISI अप्रूव्ड है और इंटरनेशनल डिजाइन और स्टाइलिंग के साथ आता है। इसमें 3 हीट सेटिंग मिलती है और यह पाउडर कोटिंग टाइप के साथ में आता है। टिल्ट प्रोटेक्शन के लिए इसमें सेफ्टी टिल्ट स्विच मिलता है और इसकी पावर कंजम्पशन है 2400 वाट की। फास्टर हीटिंग इफिशियंसी के लिए इसमें 400 वाट का PTC फैन लगा हुआ है और इसमें इजी मोबिलिटी और इजी एक्सेस के लिए कैस्टर व्हील्स लगे हुए हैं। PTC फैन के साथ इसमें आपको क्विक हीटिंग मिलती है और इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन भी मिलता है। इस पर आपको 2 ईयर की वारंटी मिलती है और यह आपको लगभग 9,000 रुपये में मिल जाएगा। इन सभी ऑयल फील्ड रूम हीटर्स की रैंकिंग मैंने इनके कस्टमर फीडबैक और ब्रांड वैल्यू को ध्यान में रखते हुए किया है। इन सभी ऑयल फील्ड रूम हीटर्स के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप वहां पर जाकर इनकी डिटेल्स को चेक करके इनको परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।